पाने को कुछ नहीं, ले जाने को कुछ नहीं, उड़ जाएंगे एक दिन तस्वीर से रंगों की तरह, हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं परिंदों की तरह। खटखटाते रहिए दरवाजा एक दूसरे के मन का, मुलाकातें ना सही आहटे आती रहनी चाहिए। YouTube कोर्स सीरीज की एक नई शानदार वीडियो मैं लेके आया हूँ आपके लिए। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा, इसमें सोच समझ के बहुत दिल दिमाग ध्यान लगा के करिएगा। क्योंकि बताऊं, ये ज्यादातर लोगों की दिक्कत होती है। लोग अक्सर बोलते हैं कि जो निश है आपका, वो निश पे आप वर्क करो। भाई यही नहीं समझ में आता कि हमारा निश है क्या, है ना, निश जो भी आप बोलते हो, मतलब के टॉपिक। तो इसके लिए मैं आपको बोलूंगा, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। मैं 2 साल के ऊपर हो गया मुझे यूट्यूब में टेस्ट एंड ट्राई कर रहा हूं मैं के हिट, और वो लग रहा है नहीं लग रहा है, काम हो रहा नहीं हो रहा। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इशू। इसीलिए मैं कहूंगा जल्दबाजी मत करिएगा। आप यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हैं या कर चुके हैं तो इस पे थोड़ा सा बैठ के विचार करिएगा, और कोशिश ये करिए कि आप इसमें हाईएस्ट सीपीसी या हाईएस्ट सीपीएम, मतलब कॉस्ट पर क्लिक और कॉस्ट पर माइल, मतलब वो कीवर्ड, वो निश, वो उस टॉपिक पे आप बनाइएगा जिसपे ज्यादा पैसे मिलते हो। और कोशिश ये करिए कि क्योंकि कंटेंट बहुत है, कंटेंट की कमी नहीं है, हाँ उसको डिलीवर कैसे कर रहे हैं, उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। तो अगर आप अच्छे से प्रेजेंट कर लेते हैं, इफेक्टिव आप उसको प्रेजेंटेशन है आपकी, आपके अंदर स्किल है, टैलेंट है, कॉन्फिडेंस है, आप बोल लेते हैं अच्छे से, लोगों को आपकी बातें अच्छी लगती हैं, मतलब आप अपने आप को एक्सप्रेस प्रेजेंट तो कर लेते हैं, साथ में जो चीज आप कर रहे हैं जो चैनल वो भी अगर अच्छे से कर लेते हो, तो फिर आप आराम से इसको चेक करिएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में मैं खुद नहीं समझ पाया था, मैंने स्टार्टिंग में इस इंग्लिश के लिए सीखा और वो चैनल करा, फिर मैंने दूसरा, फिर बहुत टाइम लग गया मुझे अपने आप को समझने में कि मेरा कौन सा चैनल रहेगा। क्योंकि कोचिंग मैंने चलाई, बिजनेस क्लासेस, और फिर रियल इस्टेट, और पता नहीं क्या क्या बीच में बहुत सारी चीजें कर करके। और अभी भी आप देखेंगे तो अभी भी मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, कोई एक टॉपिक नहीं पकड़ा मैंने। तो आपके लिए मेरी गाइडेंस यही है, क्योंकि मैंने जब सर्च करा बहुत ज्यादा उसको देखा तो मुझे ये पता चला कि एक टॉपिक लेके चलना चाहिए, उससे चैनल जल्दी ग्रो होता है और जल्दी उस पर वर्क होगा और लोग रिस्पॉन्स करेंगे, मतलब चैनल देखते ही समझ में आ जाने चाहिए कि ये किस चीज का चैनल है। तो आप हाईएस्ट पे वाले जो हैं, जो उनको टारगेट करिए, जैसे रियल इस्टेट है, बिजनेस है, इंश्योरेंस है, आप गूगल पे जाके टाइप करेंगे हाईएस्ट सीपीसी कीवर्ड या निश और हाईएस्ट सीपीएम, तो आपके सामने लिस्ट पूरी खुल के आ जाएगी। उसमें आप देख लीजिएगा जो सा आपका टॉपिक है, जो सा आपका कीवर्ड है, वो आप लेके चलिएगा, तो उससे क्या होगा, उससे आपको अर्निंग बहुत अच्छी होगी। क्योंकि उस पर एड, महंगे वाले एड लगेंगे, जहां पे आपको 1000 व्यूज का समझ लीजिए 2-3-4 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए मिलना है, वहीं पे आपको 100 व्यूज के 1000, 2000, 5000, 7-8 हजार रुपए मिल जाते हैं। अगर आपका जो नीश है, मतलब जो आपका टॉपिक है, जो आपके कीवर्ड्स हैं, वो रिच हैं, वो हाईएस्ट पे वाले हैं, तो वो चीज ध्यान रखिएगा, वो स्टार्टिंग से आप देख लीजिएगा, उनको पूरा एक शीट बना लीजिए, उनको कीवर्ड को लिख लीजिए आपके कौन से हैं, वो उन्हीं कीवर्ड पे, उन्हीं टॉपिक पे आपको बनाना, जैसे स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट है, जहां पे लोग इन्वेस्ट करते हैं पैसा है, जहां पे इंश्योरेंस है, है ना, क्रेडिट कार्ड है, बैंक है, ये जो है, रियल इस्टेट है, बिजनेस है, एक्सपेंशन है, बिजनेस है, मार्केटिंग है, ये यहां पे जहां पे पैसा है, लोग यहां पे, जो आपकी जो वीडियो होगी ना, तो उस पे जो लोग एड लगाते हैं उसी से हमको पैसा मिलता है जब मोनेटाइज होता है चैनल। तो वो अच्छे से जब आप सर्च करके और थोड़ा सा मेहनत करके जब आप उस काम को करेंगे, तो आपको कम एफर्ट में ज्यादा पैसा मिल जाएगा। वरना क्या होता है कि एफर्ट बहुत करते हैं, पता चला आपको $100 करने में लाले लग गए हैं, डेढ़ दो साल हो जाता है लोगों को, मैंने देखा है उनके $100 नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि उनको बिल्कुल बूंद 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 मिल रहा होता है, क्योंकि उन्होंने बना रखा है चैनल कुछ भी। और ऐसे क्या होगा, ऐसे 1000 व्यूज को छोड़ो, 100, 200, 500 व्यूज आए और आपको 7-8 हजार रुपए मिल जाएंगे, बिलीव मानिए, ट्रस्ट मी। तो उस टॉपिक पे आपको बनाने, इन्वेस्टिंग वाले टॉपिक्स हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है, पैसा, मतलब पैसा जहां पे है, वो आप थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा, बाकी आप बताइएगा, तो मैं इसकी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से हाईएस्ट पे वाले जो हैं वो कीवर्ड हैं, तो उनको यहां पे बहुत ध्यान से करिए। क्योंकि यूट्यूब स्टार्ट करना मुश्किल नहीं है, बनाना मुश्किल नहीं है, उसको रन करना मुश्किल है, मतलब मोनेटाइज करना और चलाए रखना, और थोड़े दिन तक तो आप कर लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम तक जब तक आपको कुछ मिलता नहीं है, आरओआई नहीं होता। आरओआई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो क्या होता है, जब अगर हमको रिटर्न नहीं मिलता किसी चीज का, तो हमारा दिल नहीं लगता, मतलब थोड़े दिन तो हम वो काम कर लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम तक हम उसमें
लगे नहीं रह पाते, लेकिन जब हमको रिटर्न मिलता है और रिटर्न अच्छा मिल रहा है, मान लीजिए थोड़ा थोड़ा सा मिल रहा है, तब भी हमारा दिल नहीं लगता है। लेकिन अगर रिटर्न और इन्वेस्टमेंट है, आरओआई जबरदस्त है, मतलब बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है, 10-20 हज़ार रुपए महीने पे मिल रहे हैं, कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो जाएगा। आप क्या करोगे, आप दिलो जान से लग जाओगे, आप कहोगे नहीं यार मुझे यही करना। तो ये चीज स्टार्टिंग से ध्यान रखना है कि आपको कौन सा पर्पस, उद्देश्य, मीनिंग लेके चलना है, कौन सा आपका विजन है, मिशन है, ए टू जेड क्लियर कर लीजिए। अगर आपने चैनल बना रखा है तब भी कोई बात नहीं, नहीं बनाया है तब भी इसको डिसाइड कर लीजिए कि क्या चीज आपको काम करनी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से फिर आप अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि उसी टॉपिक से रिलेटेड बार बार आपको वीडियो अपलोड करना होती है। तो एक बार चैनल आपका बन जाएगा, फिर आपको वहां से अच्छी अर्निंग होने लगेगी। ठीक है।